पर अरमान और अभीरा का व्रत चल रहा है और पोदार हाउस की छत के ऊपर रूही और रोहित दोनों का ही व्रत चल रहा है और कि हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। मेकर्स ने, मैंने कहा था ना, आपको ध्यान में रखते हुए, व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए वो चीज सोची कि कैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि रूही का पर्दाफाश यानी कि अक्षरा कातिल नहीं है, वो सारी जो चीजें हैं वो कब रूही के सामने आएंगी। टॉरस किया है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वेल, ये चीजें मेरे ही नहीं, कई सारी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैंस के दिलों से भी निकल रही होगी उस ट्रैक के लिए जिसकी वजह से फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा। अब ये वो अच्छी न्यूज है, कहते हैं ना समुद्र मंथन में से विष भी निकल रहा था और अमृत भी निकला था। अब आई डोंट नो ये विष है या अमृत, लेकिन फिलहाल तो गुड न्यूज है क्योंकि ट्विस्ट के भंवर से अरमान और अभीरा दोनों जो निकले हैं, आ हा 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 हा, दोनों का प्यार अब परीक्षाओं से गुजरेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है, दोनों साथ में होंगे। अब इसके पहले वाली अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे अरमान अभीरा के आंसू पोछ रहा है, कैसे अरमान और अभीरा अब और भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब अरमान और अभीरा कपल्स नहीं रहे, यानी कि शादी के पहले वाले कपल्स नहीं रहे, अब वो दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। और अब जब अभीरा के अगेंस्ट सब लोग हैं, तब अरमान और अभीरा ने वो डिसीजन लिया है जो उन्हें लेना चाहिए था, और वो था घर छोड़ने का डिसीजन। यस गाइस, वेलकम टू स्टार स्टेशन टीवी, मैं हूं राज दीक्षित और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो सरप्राइज, वो अपडेट जिसे आप ऑब्वियसली समझ तो गए होंगे, गेस कर लिया होगा, बट आगे क्या होने वाला है ये भी बताने वाला हूं। अब जब विद्या जी अपनी बात पर अड़ी हुई, विद्या जी ने कह दिया था कि रोहित और रूही इस घर से जाएंगे तो विद्या जी भी जाएंगी, कावेरी जी आकर रोकने की कोशिश करती है बट विद्या जी नहीं मानती। ऐसे में हमारा आदर्श बेटा और आदर्श बहू उनके ऊपर जिम्मा आता है और वो घर छोड़ देते हैं, पोदार फैमिली से चले जाते हैं अरमान और अकीरा। वेल, यहां पर मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा अरे यार ये तो खुशी की तरफ भी है, क्यों कि हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, ये वाकई में सही होने वाला है अरमान अभीरा के साथ, क्योंकि वो घर के बाहर के आउट हाउस में रहेंगे। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा टर्न आने के बाद मेकर्स एकदम से अरमान और अभीरा को घर छोड़कर दूर कहीं तो भेज नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा होता तो दो जगह शूट करना पड़ता और कहानी कैसे आगे होती, कैसे अरमान अभीरा रूही रोहित मासा दादी सा सब लोग एक दूसरे को देखते और उसके बाद वो ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आ पाते जिसकी वजह से शो चल रहा है। तो अब होगा ये कि अरमान और अभीरा रहेंगे आउट हाउस के अंदर, आउट हाउस में जब वो रहेंगे तब जरा सोचिए क्या क्या होगा। अभी त्योहारों का मौसम है, अभी नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दशहरा आएगा और उसके बाद आएगा वो त्योहार जो लगभग हर हिंदुस्तानी बहुत धूमधाम से मनाता है और वो है दिवाली। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, दिवाली एक ही घर के सदस्यों के बीच मनेगी लेकिन दो अलग अलग हिस्सों में, उसके अलावा कई सारी ऐसी रस्में हैं जो कि मनाई जाएंगी और इस सब के बीच में करवा चौथ भी तो आने वाला है दोस्तों। तो जरा सोचिए, आउट हाउस की छत के ऊपर अरमान और अभीरा का व्रत चल रहा है और पोदार हाउस की छत के ऊपर रूही और रोहित दोनों का ही व्रत चल रहा है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ओ माई गॉड, What twists and turns are going to be there? I am waiting for them. अब पंगा और अच्छी बात दोनों ये है कि पंगा तो हो चुका है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब अरमान और अभीरा आउट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद वो आउट हाउस उनका खुद का घर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद कपल्स एक जॉइंट फैमिली में आते हैं, जॉइंट फैमिली में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वही कपल अलग से एक घर में रहता है तो अपनी अलग दुनिया बसाने लगता है, अपनी एक यू नो नई चीजें बुनने लगता है, धीरे धीरे अपने उन सपनों को सच करने की कोशिश करता है जो एज अ कपल उन दोनों ने देखे थे। अरमान अभीरा के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, दोनों आउट हाउस में शिफ्ट होंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे मोमेंट्स आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आएंगे कि ट्रस्ट मी आपको डर तो लगेगा क्योंकि ट्विस्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मजा बहुत आएगा। मेकर्स ने, मैंने कहा था ना, आपको ध्यान में रखते हुए, व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए वो चीज सोची कि कैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहे लेकिन साथ में अभिमान का प्यार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, ऊपर 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 चढ़ता जाए,
अब सबसे पहली मेन चीज, आप सब लोग में से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि रूही का पर्दाफाश यानी कि अक्षरा कातिल नहीं है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कब रूही के सामने आएंगी और कब घर वालों के सामने आएगी। तो पहली चीज़ आपको बता दूं, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, एंड ट्रस्ट मी, सब्र का फल मीठा होता है। इतनी जल्दी वो वाला ट्रैक नहीं आएगा, लेकिन वो ट्रैक कैसे बाहर आएगा वो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। जब वो ट्रैक बाहर आएगा तब बहुत बड़े बदलाव भी होंगे इस शो के अंदर, ये बात मैं आपको अभी से बोल के रख रहा हूँ। अब इसके अलावा अरमान और अबीरा, ओ माई गॉड, रोहित एंड समृद्धि, बोथ आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। नॉट जस्ट अरमान अबीरा बट रोमित राज एंड गर्विता, मैं रोज आपको इसलिए बात बोलता हूँ क्योंकि रोज जब मैं इनकी एक्टिंग देखता हूँ तब मुझे लगता है यार कमाल है। बिहाइंड द सीन्स ये लोग अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी प्यारी बॉन्डिंग वाली चीज़ें डालते हैं, लेकिन जब आप इन्हें ऑन स्क्रीन देखते हैं तब आपको लगता है क्या ये वही लोग हैं जो अभी कुछ देर पहले स्क्रीन के ऊपर झगड़ रहे थे या फिर ऑफ स्क्रीन साथ में थे और मस्ती कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन होता है शूट के ऊपर भी एकदम से माहौल टेंस हो जाता है, वैसा हो जाता है जैसे कि शो में लिखा गया है स्क्रिप्ट के अंदर, विच इज़ ए कमेंडेबल जॉब। इसीलिए शायद ये शो अब झनक को बीट करके आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा इम्तिहान, और वो ये जिस बात का प्रेडिक्शन मैंने 1-1.5 महीने पहले किया था, प्रेडिक्शन का मतलब उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस भी था जो आप में से कई सारे लोग भी मुझे बोल रहे थे कि क्या अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों शोज जो कि एक ही प्रोडक्शन हाउस के हैं, क्या वो दोनों एक साथ एक ही पायदान नंबर 1 जो पोजीशन है क्या वो शेयर करते हुए नजर आएंगे। अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैंस ठान लें तो फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि अनुपमा और ये रिश्ता के अंदर अब ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर इसी तरीके से TRP बढ़ती रही तो आई एम श्योर कुछ ही दिनों के अंदर अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है दोनों ही नंबर 1 हो जाएंगे। वेल, इसके बीच में झनक भी पूरी कोशिश कर रहा है, झनक भी डटा हुआ है अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, एंड हु नोज कि कब क्या हो जाए। लेकिन कितना अमेजिंग होगा एक ही प्रोडक्शन हाउस के लिए अपने 2 शोज को नंबर 1 पर देखना, तब मजा आएगा क्योंकि तब दोनों शोज में ट्विस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी अपडेट मुझे आप तक देनी थी जो मैंने दे दी। अब आगे क्या होने वाला है, सपनों की दुनिया कैसे बसाने वाले हैं अरमान और अबीरा, ये भी मैं आपको बताता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट, कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।